विश्व हिंदू परिषद का किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है, और जो दल हिंदू हित की बात करेगा विश्व हिंदू परिषद का समर्थन उसी को रहेगा। श्री राम समर्पण नीति के दुरुपयोग के लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। बीएचपी इसको लेकर किसी भी जांच के लिए तैयार है। यह बातें बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने आजमगढ़ में कही। आजमगढ़ के HMPS स्कूल में विश्व हिंदू परिषद के गोरक्ष प्रांत की 2 दिवसीय बैठक में शामिल होने के लिए संगठन के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। जन्माष्टमी पर अपने स्थापना दिवस को तमाम कार्यक्रमों के साथ मनाने को लेकर संभावित तीसरी कोरोना के लहर से रक्षा, अवैध मतांतरण पर रोक व मठ मंदिरों की मुक्ति के संकल्प को लेकर विश्व हिंदू परिषद के गोरक्ष प्रांत की बैठक में तमाम निर्णय लिए गए। आजकल विश्व हिंदू परिषद के सब प्रांतों की बैठक हो रही है, सब जिलों के भी उसमें लोग बुला रहे हैं। तो हमने अपनी सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में 6 प्रांत बनाए हैं। ये गोरक्ष प्रांत के सब कार्यकर्ता आए। जिन बातों पर विचार हुआ है उसमें से एक विचार ये हुआ है कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना जन्माष्टमी पे हुई थी। जन्माष्टमी 30 अगस्त को है, तो हम अपना स्थापना का कार्यक्रम मनाते हैं, एक हफ्ता पहले शुरू करके एक हफ्ता बाद तक चलता है। राम जन्मभूमि के निधि समर्पण के लिए यहाँ के सब गांवों में जाना हुआ था, सब बस्तियों में जाना हुआ था। हम कोशिश करेंगे कि स्थापना का कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रम।